नमस्कार और स्वागत है आपका आज के वीडियो में। तो आज जो हम एनालिसिस करने वाले हैं वो विपरीत राज्यों के ऊपर है। विपरीत राज्य काम किस तरह से करते हैं और वो फल कैसे देता है, ये हम लोग आज समझेंगे। तो सबसे पहले एक चीज़ समझिए कि ये जो राजयोग है ये विपरीत राजयोग है। विपरीत इन द सेंस कि आपके लिए पहले उल्टी परिस्थिति आपके लिए बनाएगा और उसके बाद फिर आपको फल देगा। विपरीत यहाँ पे इसको क्यों कहा जाता है और ये एक तरह से काम कैसे करता है। लोग यूजली आपको बता तो देंगे कि आपके कुंडली में एक राजयोग बना है, लेकिन वो राजयोग फल कैसे देगा ये आपको समझ नहीं आता है। विपरीत राजयोग आप समझते हैं कि अरे वाह, ये तो छठे का स्वामी छठे में चला गया, आठवें का आठवें में या बारहवें का बारहवें में चला गया, तो फिर विपरीत राजयोग बन गया, या फिर इसमें से आपस में किसी में एक्सचेंज हो गया, तब जा करके बहुत ही अच्छा योग है। एक चीज़ आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा, विपरीत राजयोग हमेशा क्या करता है कि अगर आप नाड़ी या फिर केपी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखें तो केपी एस्ट्रोलॉजी में होता क्या है कि अगर 6, 8 और 12 इसमें आपस में इंटरचेंज हो जाए तो आपके जो कोऑर्डिनेट्स बनते हैं वो 6, 8 और 12 के बनेंगे, जो कि बहुत अच्छा कोऑर्डिनेट नहीं है। तो एक चीज़ यहाँ पे आपको समझनी होगी कि ये जो फल है वो बहुत अच्छा नहीं देता। विपरीत राजयोग में होता क्या है कि अगर यहाँ पे छठे का स्वामी छठे में बैठे, आठवें का आठवें में और बारहवें का बारहवें में, तो यहाँ पे होता क्या है कि ये जो घर है ये एक तरह से एक्सट्रीम हाउसेस होते हैं, ये नेगेटिव फल देते हैं। तो सबसे पहले आपको लाइफ में एक बहुत ही विपरीत परिस्थिति में डालने वाला है, तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल सिचुएशन में आपको डालेगा। और उस सिचुएशन में डालने के बाद, क्योंकि यहाँ पे अब विपरीत राज्य बना है, तो होगा क्या कि आप सक्सेसफुली उसमें से बाहर निकल पाएंगे और वहाँ से वापस से अपने आप को रीस्टैब्लिश कर पाएंगे। तो आपको सीक्वेंस समझना पड़ेगा। सीक्वेंस क्या है कि सबसे पहले आपके लाइफ में एक विपरीत परिस्थिति बनी, विपरीत परिस्थिति बनने के बाद फिर उस परिस्थिति से आप बाहर निकले, सक्सेसफुली बाहर आए, बाहर आने के बाद आप बहुत अच्छा परफॉर्म किया आपने और अपना नाम फिर से आप रीगेन कर पाए, ठीक है। तो ये होता है विपरीत राजयोग में बेसिकली, जो कि मैंने एक ओवरऑल स्ट्रक्चर जो मैंने देखा वो ये है। अब हम लोग कुछ एनालिसिस करते हैं, कुछ चार्ट्स का एनालिसिस करते हैं और करके देखते हैं कि किस जगह पे विपरीत राजयोग काम आया था, ठीक है। तो स्क्रीन पर जो आप कुंडली देख रहे हैं ये नरेंद्र मोदी की कुंडली है। अब नरेंद्र मोदी जी के लिए एक चीज़ मैं बताऊँ, आपको ये पता ही होगा कि इनके लाइफ में विपरीत परिस्थिति कब आई थी। तो यहाँ पे अगर आप इनके चार्ट देखें तो बुध यहाँ पे 12वें भाव में बैठा हुआ है केतु के साथ और सूर्य के साथ, ठीक है, और यहाँ पे स्वग्रही होकर के बैठा है। तो जो पहला कंडीशन था वो ये कि यहाँ पे 12वें का स्वामी 12वें में होना चाहिए, वो तो है, और उसके साथ साथ ये भी है कि ये ऊंच का होकर के बैठा है, तो विपरीत परिस्थिति तो यहाँ पे बनाएगा। और उसके बाद क्योंकि यहाँ पे ऊंच का होकर के बैठा है तो ये वहाँ से सक्सेसफुली निकल पाएंगे और निकलने के बाद फिर अपना नाम और अपना ब्रांड ये वापस से बिल्ड कर पाएंगे, ठीक है। तो इनके लाइफ में अगर हम लोग देखें कि ऐसा कब हुआ था तो फिर आपको थोड़ा इसका अच्छे से समझ आएगा। तो यहाँ पे अगर इनके विकिपीडिया पेज को देखें तो यहाँ पे 2002 वाला जो फेज था गुजरात राइट्स वाला, तो ये इनके लिए एक बहुत स्ट्रगलिंग फेज था, ये फिर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल वाला फेज था। तो यहाँ पे इनको एक तरह से विपरीत परिस्थिति में डाला गया, इनका नाम खराब हुआ और बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज हुई इनको इनके एक्शंस को लेकर के, और उसके बाद जा करके फिर बाद में ये वहाँ से सक्सेसफुली निकल पाए। उसका कारण यही था कि विपरीत राजयोग बनता है तो आपको पहले खराब परिस्थिति में तो डालेगा, लेकिन क्योंकि आप वहाँ से सक्सेसफुली निकल पाए तो इस कारण से होगा क्या कि आप लोगों को बता पाएंगे कि हाँ मैंने इतना हार्डशिप फेस किया, इतना स्ट्रगल फेस किया और उसके बाद जा करके मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। विपरीत परिस्थिति एक विपरीत राजयोग जो है वो एक तरह से आपको अंदर से स्ट्रांग भी बना देता है, क्योंकि आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा हार्श जो कंडीशन है उसको फेस किया होता है, उस कारण से आपका जो प्रोग्रेस कर पाना या ग्रो कर पाना वो बहुत ज़्यादा ईजी हो पाता है, ये मैंने यूजली देखा है। इनका अगर फेस हम लोग देखें कि इनको क्या फेस चल रहा था, तो यहाँ पे आपको समझ आएगा कि अराउंड 2002 के आसपास अगर हम लोग जाएँ तो यहाँ पे बुध वाला फेज इनका शुरू हो गया था। शनि यहाँ पे ख़त्म हो ही रहा था और बुध वाला यहाँ पे फेज शुरू हो गया। एक चीज़ जो मैंने पहले भी बताया कि ये जो बुध वाला फेज है, क्योंकि बुध यहाँ पे विपरीत राजयोग बना रहा है तो सबसे पहले तो नाम आपका खराब करेगा और उसके बाद जा करके फिर सब कुछ अच्छा करेगा। यहाँ पे एक और चीज़ देखे, जब यहाँ पे चंद्रमा की इनको महादशा चल रही थी और 2006 के आसपास इन्होंने जो डीमोनेटाइजेशन वाला
काम था वो किया था, और उसके बाद जा कर के नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी एक तरह से घटनी शुरू हो गई थी वहाँ पे। इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, बहुत ज़्यादा दूसरे चीज़ों को लेकर के भी इश्यूज शुरू हो गए थे, और यहाँ तक बात आ गई थी कि हो सकता है कि ये रीइलेक्ट होकर के ना आए, तो ये भी था। लेकिन उसके बाद भी जैसे ये मरकरी वाला फेज शुरू हुआ, ख़त्म हुआ, ख़त्म होने के बाद ये रीइलेक्ट हुए, वापस आए, इन्होंने आर्टिकल 370 हटाया और बाकी सारा दूसरा काम भी जैसे सीए और एनआरसी वाला जो काम था वो भी इन्होंने किया। तो एक तरह से आप देखें तो ये जो मरकरी है होता है यहाँ पे, ये बहुत ही ख़राब फल देने वाला है, बहुत अच्छा फल यहाँ पे नहीं देगा वो इस कारण से। तो ये था एक केस स्टडी। हम लोग एक और केस स्टडी लेते हैं और समझते हैं कि फिर ये दूसरे चार्ट्स में किस तरह से काम करता है। तो स्क्रीन पर जो आप कुंडली देख रहे हैं ये अमिताभ बच्चन की कुंडली है, और यहाँ पे इनका अगर आप चार्ट देखें तो यहाँ पे भी एक विपरीत राजयोग बन रहा है कि मरकरी अष्टम का स्वामी हो करके अष्टम में ही बैठा हुआ है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि मरकरी की दशा जैसे ही इनको आएगी, इनका काम जो होगा वो स्लो हो जाएगा, काम में बहुत ज़्यादा रुकावटें आएंगी, प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होने के चांसेस यहाँ पे है, और उसके साथ साथ ये कि एक तरह से इनकी जो लाइफ वो अटक जाएगी। यहाँ पे योग तो कुछ इस तरह का ही बन रहा है अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो, ये इनके लाइफ में हुआ था। तो यहाँ पे अगर आप लोग नोटिस कीजिए तो 1990 के बाद से इनका जो प्रेजेंस था ऑन स्क्रीन वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया था। इन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू किया लेकिन वो काफ़ी चला नहीं, एक तरह से फ्लॉप ही था। और उसके साथ साथ टूअर्ड्स द एंड ऑफ 98-99 इनकी सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि इनको लोन लेना पड़ गया था, और 90 करोड़ के आसपास का लोन इनका बन रहा था उस वक्त, और वो एक बहुत ही ख़राब सिचुएशन था इनके लाइफ का। लेकिन अब जैसा कि मैंने बताया कि ये विपरीत राजयोग है तो सबसे पहले आपको विपरीत परिस्थिति में तो डालेगा लेकिन वहाँ से आपको निकाल करके भी लेकर आएगा। तो इसके बाद फिर इनका वापस से कमबैक हुआ बॉलीवुड में, इन्होंने मूवीज़ जैसे कभी खुशी कभी गम, मोहब्बतें, फिर KBC, इसमें इससे आकर के अपना अपने आप को वापस से रीबिल्ड किया, अपने आप को वापस से रीएस्टैब्लिश किया। तो वो जो फेज था उसके बाद फिर ये एक तरह से वापस से अपना जो पोजीशन था, अपना जो स्टेटस था, वापस से वो अचीव कर पाए थे। तो ये यहाँ पे देखिए कि विपरीत राजयोग जो होता है तो सबसे पहले आपको गिराएगा लेकिन गिरा करके आपको वापस से उठा भी देगा। एक और एग्जांपल लेकर के समझते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे आप जो कुंडली देख रहे हैं तो यहाँ पे 12वें का स्वामी वो 12वें में ही बैठा है। यहाँ पे भले ही एक धनयोग बन रहा है, एक प्रोमिनेंट धनयोग है जिसमें कि दूसरे का, एकादश का और सप्तम का और नवम का जो स्वामी है एक साथ बैठा हुआ है, लेकिन एक तरह से ये है कि यहाँ पे विपरीत राजयोग भी है, विच सजेस्ट कि स्टार्टिंग में, क्योंकि आप देखिए कि हम लोग ये मानते हैं कि अगर राजयोग केंद्र में अगर बन रहा है तो फिर काफ़ी अच्छा उसका फल होता है, लेकिन अगर विपरीत राजयोग बना करके दे रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टार्टिंग में आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा अपने फाइनेंसिस को लेकर के, अपने पैसे को लेकर के, लेकिन उसके बाद जा करके जो ये पैसा आपका मल्टीप्लाई होगा वो मैनी फोल्ड हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा एक तरह से आप पैसा बना लोगे यहाँ पे। तो ये यहाँ पे एक तरह से योग बन रहा है इस विपरीत राजयोग का। तो ये था मेरा ओवरऑल एनालिसिस विपरीत राजयोग के बारे में। तो अगर आपके कुंडली में भी ये बन रहा है तो एक चीज़ समझ लीजिए कि विपरीत राजयोग आपको क्या करेगा कि सबसे पहले आपको दिक्कतें तो देगा, आपको इश्यूज तो देगा, लेकिन उसके बाद आप उसको ओवरकम भी कर पाओगे। तो विपरीत राजयोग को हमेशा ऐसे समझना चाहिए, ऐसा नहीं कि ये आपको अचानक से बहुत ज़्यादा धन दे देगा या फिर अचानक से बहुत ज़्यादा एक तरह से समृद्धि दे देगा, ऐसा नहीं है। होगा क्या कि आपको मुश्किल परिस्थिति में डालेगा, उसके थ्रू आपको एक बहुत ज़्यादा, आपको बहुत सारी लर्निंग्स मिलेगी और उसके बाद फिर आप लाइफ में ग्रो कर पाएंगे। तो इन शॉर्ट अगर विपरीत राजयोग को मुझे समराइज़ करना है तो मैं ऐसा करूँगा। तो ये था मेरा एनालिसिस विपरीत राजयोग के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।